हाय व्यूवर्स, आज मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग मैं पहले कर चुकी हूं, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूं। अभी इसकी स्टिचिंग है और ये मैंने इसके पांचे के ऊपर बुकरम लगा के इसको प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब साइड में जो कपड़ा कम था क्रच एरिया से, तो वहाँ पर ये मैं दो कलियाँ जो थी वो अटैच करूँगी। अभी स्टिचिंग करते हुए मैं बताती हूँ। ये व्यूवर्स, अब मैं इसको साथ में अटैच कर रही हूँ। व्यूवर्स, मैं एक साइड का पांचा दिखाऊंगी और दूसरी कली साथ में बाद में अटैच करते हुए दिखाऊंगी। अब व्यूवर्स, दूसरी साइड का मैं अटैच कर रही हूँ साथ में। अब इसके ऊपर मैं स्टिच लगाऊंगी। ये व्यूवर्स सिंपल शलवार की स्टिच है। ये व्यूवर्स, इसके मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिए। एक पांचा मैंने पहले तैयार किया था और ये सेकंड है इसका। कंप्लीट कर रही हूँ। ये व्यूवर्स दोनों कंप्लीट हो गए। अब इसके पांचों पे करूँगी काम, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये व्यूवर्स, अब मैं पांचा इसका फोल्ड किया, जैसे इस पांचे पे बुकरम लगाकर और इसको प्रेस करके आप सिलाई के साथ भी कर सकते हो। मैंने आयरन के साथ किया है और इसको इस अंदर की तरफ मोड़ दिए। मैं सिर्फ इधर सिलाई लगाऊंगी और ऊपर लेस अटैच करूंगी। आइए स्टिचिंग करते हैं। बस इस पांचे के किनारों पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। साथ साथ मैं पांचे को सेट करते जाएं। इसमें सिलवटे वगैरह पीछे की तरफ ना आए, ये नीट आए और सिलाई को इक्वल करें। ये भी बस पांचा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैं यहाँ से लगाऊंगी, ये तीन तीन स्ट्रिप करके मैं लगाऊंगी, इसमें अटैच करूंगी। अभी अटैच करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, मैंने पांचे पे ये लेस अटैच की है और ये लेस में जो वक्फा मैंने दिया है वो 1 सेंटीमीटर है। ये पांचे पे मैंने लेस से डिज़ाइनिंग की है। अब दूसरे पांचे में मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, लेस लगाते हुए इसको खींचना ये नहीं है, इसमें चुनट पड़ती है, फिर वो अच्छा नहीं दिखता। इसको हल्का सा रखें, हल्का हल्का इसको पुश करते जाएं, ये इसके ऊपर अच्छे से आएगा। ये व्यूवर्स इस तरह देखिए, इसके मिड में सिलाई करें। इस साइड से थोड़ा थोड़ा उठा होगा और इस लेस को लगाने के लिए नीचे और ऊपर 1 सेंटीमीटर का वक्फा दें, ठीक है। व्यूवर्स, से मैं एक अटैच करके आपको दिखाती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये व्यूवर्स एक अटैच कर दी है, इसमें ना चुनट आया ना क्या, ये बिल्कुल प्लेन लगी है और अच्छे से लगी है।
ये व्यूवर्स दोनों पांचे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन दोनों के मैं आसन जोड़ूंगी, उसके बाद फिर नेफा। आइए देखते हैं ये व्यूवर्स, इसका मैं आसन जोड़ रही हूँ। ये व्यूवर्स नेफे को मैंने इस्त्री के ज़रिए फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ से, कि इजीली मैं इसको फोल्ड कर सकूं हाफ इंच अंदर की तरफ से। और ये 1 इंच इधर से है, ठीक है व्यूवर्स। नेफा इजीली मोड़ा जा सकता है, इतना मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये व्यूवर्स मैंने प्रेस से इसलिए किया है कि ये बिल्कुल इक्वल आए, कहीं पे छोटा बड़ा ना हो, इसमें झोल ना आए। प्रेस से ये कॉटन के कपड़े में बहुत इजीली और बहुत आसानी से बन जाता है। ये व्यूवर्स मेरा नेफा कंप्लीट हो गया, इसको खींचना नहीं है क्योंकि कॉटन का कपड़ा बढ़ जाता है। ये व्यूवर्स दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल आया। अब व्यूवर्स इसके मैं पांचों की सिलाई लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये व्यूवर्स इसके मैं पांचों की साइडें सी रही हूँ। इसके बाद मेरी सलवार मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सिंपल सलवार है विदाउट बेल्ट के। ये व्यूवर्स मैंने दोनों पांचे कंप्लीट कर लिए। लास्ट स्टिच है इसकी फिनिश करके, फिर मैं शलवार की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। पांचे के स्टार्ट में और पांचे के लास्ट में सिलाई इक्वल आनी चाहिए। इसको सिलाई पक्की कर लेते हैं। व्यूवर्स ये मेरी शलवार मुकम्मल कंप्लीट होकर आ गई है। ये इसकी फाइनल लुक है, ये इसके पांचे का डिज़ाइन है। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।